जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, भारत ने चाइना की दुखती रख पर हाथ रख दिया। क्या है पूरा मामला विस्तार से बताता हूँ वीडियो के माध्यम से, दोस्तों अंत तक बने रहिए। और चाइना के कट्टर विरोधी माने जाने वाले जापान देश के साथ भारत ने युद्ध अभ्यास किया। और आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा 26 जनवरी तक ये युद्ध अभ्यास जारी रहेगा। और इसी दौरान दोस्तों एक से बढ़कर एक ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है जो कि सोशल मीडिया पे छा गई है। और इसी कड़ी में दोस्तों अब एक के बाद एक फोटोज और वीडियोज वायरल हो रही है, जिससे कि ये साफ पता चलता है भारत जिसे यार मान लेता है उसके पीछे जान लगा देता है। और इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना के पायलटों ने अपने सुखोई फाइटर जेटों के पायलटों की कुछ तस्वीरें साझा करी, जिसकी अब जमकर चर्चाएं हो रही है। दरअसल वीर गार्जियन 2023 अभ्यास के दौरान भारतीय सुखोई फाइटर जेट के जो पायलट है उन्होंने जैपनीज मित्सुबिशी F2 फाइटर जेट को आसमान में गजब तरीके से उड़ा दिया। और इस उमदा तरीके से इन्होंने इन फाइटर जेटों को उड़ाया कि पूरी दुनिया हैरान थी। और इस तरीके से इन्होंने चाइनीज प्रोपोगेंडा और चाइनीज सरकार दोनों की हवा निकाल दी। और इसी कड़ी में इन्होंने कई सारी तस्वीरें भी खींची, लेकिन चर्चाएं तस्वीरों की नहीं बल्कि इस बात को लेकर थी जापान की सेल्फ डिफेंस वाली वायुसेना के ये जो फाइटर प्लेन थे, इन्हें भारतीय पायलटों ने इस तरीके से उड़ाया कि जापानी पायलट हैरान थे। और इसी कड़ी में जापान के वायुसेना के पायलटों ने ये माना कि भारतीय पायलटों का कोई जवाब नहीं, उनकी जो स्किल्स हैं उनका कोई तोड़ नहीं। और यही कारण है दोस्तों जब सुखोई 30 के फाइटर पायलटों ने F2 फाइटर जेट को उड़ा, जैपनीज वायुसेना की तरफ से ये बयान निकल कर आया कि भारतीय पायलटों के साथ युद्ध अभ्यास करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उनका कहना था भारतीय फाइटर पायलटों की स्किल्स का कोई जवाब नहीं और इससे जैपनीज वायुसेना को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और मित्रों इसी कड़ी में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 2023 की वीर गार्जियन एयर एक्सरसाइज के दौरान भारतीय सुखोई 30 जापान की वायुसेना के बीच में हो रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो इसका एकमात्र उद्देश्य चाइनीज सुखोई 30 MKI जहाजों से निपटने के लिए जैपनीज सेना तैयारी कर रही है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय वायुसेना सैकड़ों सुखोई 30 MKI जहाजों का संचालन करती है। और ऐसे में भारत ही एकमात्र देश है जो कि जैपनीज वायुसेना को मदद कर सकता है चाइनीज वायुसेना को काउंटर करने के लिए। और भारत ही ऐसा देश है जो चाइनीज फाइटर जेटों के खिलाफ जापान को एक प्रभावशाली रणनीति बता सकता है। और मित्रों आप सभी तो जानते ही है जापान और भारत के इस युद्ध अभ्यास से सबसे ज्यादा मिर्ची चाइना को लग रही है। और इस बात का पता इसी बात से चल जाता है कि चाइनीज मीडिया F2 मित्सुबिशी जहाज को एकदम बेकार और कबाड़ बता रही है। लेकिन ऐसे में भारतीय पायलटों ने जो जैपनीज फाइटर जेटों से कारनामे करके दिखाए, जिससे चाइनीज प्रोपोगेंडा फैलाने वाली मीडिया को एक सख्त संदेश जाएगा कि भारत जिस देश के साथ भी दोस्ती निभाता है उसे अंत तक निभाता है और भारत अपने वादे का कितना ज्यादा पक्का है। और इसी के साथ चाइनीज मीडिया की प्रोपोगेंडा हेकड़ी भारतीय पायलट ने एक ही वीडियो के माध्यम से निकाल दी। बाकी आप सभी मित्रों का इस खबर पर क्या मानना है कमेंट्स करके अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताइए। जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय।